अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ खास मेहमान जमीयत उलमाए हिंद सदर रियासत मौजूद हैं। एक इजलास में उन्होंने शिरकत की थी तो मौका मैसर हुआ। सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल सर। एक बेचैनी है पूरे मुल्क में और मुसलमान निशाने पर है, ये अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। उलमाओं से आवाम उम्मीद किए बैठी है, आज भी पथराव हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, मस्जिदों पर दावे किए जा रहे हैं, आस्थानों पर दावे किए जा रहे हैं। अगर एक बड़ी तंजीम के तहत जमीयत उलमा हिंद को देखा जाए तो आपके पास मंसूबाबंदी क्या है? देखिए, कुछ लोग जो है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कानून को तोड़ने पर तुले हुए हैं। तो जमीयत उलमा हो या इस मुल्क का हर शहरी, हर इंसाफ पसंद बाशिंदे की जिम्मेदारी है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, कानून और अदलिया की के अंदर कानून की मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनको मजबूर करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पर आए और बनाए गए कानून पर अमल करें। जमीयत उलमा ये काम कर रही है और करने पर मजबूर कर रही है। नहीं नहीं, किसी तरह से वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरियत को मानने को ही तैयार नहीं है। हिंदू राष्ट्र का पूरा एक मंसूबा तैयार है और मुसलमान रोज़ाना शहीद किए जा रहे हैं। इससे पहले बहराइच हुआ, संभल हुआ, अब तो नई नई मस्जिदें उन्होंने ढूंढ निकाली है। नहीं, ये अगर जो है अगर ये कानून ख़त्म हो गया होता, मनमानी कर रहे होते, तो उनको अदालत में जा कर के वहाँ से इजाज़त लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अदालत ज़िंदा है, कानून मौजूद है, लेकिन उस कानून का गलत इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं। उन कुछ लोगों के हाथों को रोकने की ज़रूरत है, उसके लिए हर हिंदुस्तानी को खड़ा होना चाहिए। बाबरी मस्जिद से हमने अब यहाँ तक देखा है कि कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आज भी मानता है कि मस्जिद को किसने शहीद किया मालूम नहीं है। जिन लोगों ने किया था, जो हिंदुत्ववादी तंजीमों के, उन्हें तो क्लीन चिट दे दी गई, फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं, उम्मीद तो 100% कायम है। अब आपको जो है संभल पर रोक लगाने वाला वही कोर्ट है, वही कानून है, वही अदालत है। सेशन कोर्ट ने अगर इजाज़त दे दी, उसके किसी मुतासिब जज ने जो है इजाज़त दी है, तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। आपको बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले ऐसे हैं जो मबनी बर इंसाफ है, क्या उनको आप नज़रअंदाज कर देंगे? नहीं मौलाना, सब कुछ ख़त्म होने के बाद अदालत अगर रोक लगाती है तो आप इस पर इत्मीनान कैसे करते हैं? देखिए, 5 लोग शहीद हुए हैं सर। सब कुछ ख़त्म होने की ताबीर सही नहीं है, बहुत कुछ बाकी है और उस पर रोक लगी है। और ये मुल्क है, इसके अंदर इस किस्म के जानबूझ करके ऐसे हादिसात खड़े किए जाते हैं। महाराष्ट्र के रिज़ल्ट पर पूरे मुल्क की तवज्जो थी, जो ज़मीनी हकायक से हट कर के महाराष्ट्र के रिज़ल्ट आ रहे थे, तो लोगों की तवज्जो महाराष्ट्र से हटाने के लिए तवज्जो कहीं और मोड़नी थी, संभल की तरफ मोड़ दी। ये सब सियासी पैंतरेबाजी है, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन रोज एक और हिकमत के साथ इकदाम करने की ज़रूरत है। कल भी बदायूं की मस्जिद को लेकर पिटीशन दाखिल की थी, जो पटेल जो हिंदू महासभा का शख्स था, उसने जो है मस्जिद पर फिर से दावा किया। मतलब रोज़ाना की इस तरह की बातों के बाद हमारे पास कोई मंसूबा नहीं, इसका मतलब क्या है? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना, आप क्या कर रहे हैं? मुसलमान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुसलमान? वो तो उनको, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराई? नहीं, आप मुसलमानों को अपने बड़ों की, अपने तंजीमों की का तआवुन करके, मुत्तहिद हो करके, बोर्ड का जो इजलास हुआ या जमीयत उलमा की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सब एक आवाज़ खड़े होंगे, मुत्तहिद होंगे, मसाइल का हल मौजूद है इस मुल्क में। नाउम्मीदी और मायूसी की कोई चीज़ नहीं है, इससे भी बदतर हालात से गुजर के हम आए हैं और हम साबित कदम रहे हैं, कामयाबी हमारे कदमों में आके गिरी है। और आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि मुल्क का मुसलमान अगर अपने मजहब पर अमल पैरा हो जाए, अपने नबी की तालीमात को अपनाने लगे और अपने खुदा पर भरोसा करने लगे, अपने बड़ों की हिदायत पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये हालात कुछ भी नहीं बदल सकते, हालात का रुख मोड़ा जाए। अक्सर आवाम में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उलमाओं को जिस तरह से रोल अदा करना था नहीं कर पाए,
उलमा की ज़िम्मेदारी सबसे पहले तो मसाजिद और मदारिस में है। उलमा से बहुत ज़्यादा तवक्को लोगों ने रखी है, उसका जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और उलमा अपनी खिदमात जो जारी रखे हुए हैं सुबह से लेकर के रात तक, पैदाइश से लेकर के मौत तक, उसको सोचा भी नहीं जा सकता। उसके बावजूद अगर कुछ लोगों का ऐसा कहना है तो फासले हो रहे नहीं अवाम और उलमा के दरमियान, फासले नहीं हो रहे। अभी जो है आवाज़ पर जो लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत ये बात फैलाना चाहिए, प्रोपेगेंडा। आज भी उलमा ही की आवाज़ पर, किसी सियासतदान की आवाज़ पर कोई आदमी इकट्ठा नहीं होता, खर्च करना पड़ता है। और उलमा आवाज़ लगाते हैं तो अपना पैसा, अपनी जान, अपना माल लगा के घंटों का सफ़र तय करके पहुंचते हैं। नहीं, इलेक्शन के वक्त उलमा जो है फलां पार्टी को वोट देने का ऐलान करते हैं, फसाद के वक्त कहाँ रहते हैं? नहीं, फसाद के मौके पर भी उलमा ही तो मैदान में आते हैं। आप देखिए रुख दूसरी तरफ हो रहा है। अगर उलमा की आवाज़ पर वोट के मौके पर मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर के वोट दिया तो आज इस सूबे के अंदर हालात में तब्दीली आई है। इसके बावजूद अगर हालात कहीं ख़राब हो रहे हैं तो ये 10-25% हैं। अगर ये आप यहाँ हुकूमत न बदली होती तो ये 25% 100% होते। महाराष्ट्र में आपकी मेहनत नहीं रही? महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो है खेला हुआ है, ये तो सभी बता रहे हैं, खेला हुआ है, कुछ ना कुछ धांधली हुई है। अब जजेस और वकला और इलेक्शन कमीशन के पास कैंडिडेट सारी रिपोर्टें गई हैं। जैसा आप कह रहे हैं हकायक के खिलाफ हैं, तवक्को के खिलाफ। जैसा आप कह रहे हैं कि वीओम में भी इशारा आपका उसी तरफ है, समझ लो खेला से मुराद। नहीं बिल्कुल ठीक है, मान लिया कि ईवीएम ही अगर सब कुछ खेला कर रहा है तो फिर मेहनत क्यों जायक हो रही है? नहीं, हमें तो मेहनत करने का हुक्म है, नतायज को अल्लाह के हवाले करना है। नहीं, उस लाइन से कुछ कोई मेहनत इस तरह से हमारे पास नहीं। नहीं, वो तो सियासी पार्टियों का काम है, उनको हमें सपोर्ट करना है। ईवीएम का मसला उनका है, वो खड़े हों, हम पर उनके पार्ट बनेंगे।